हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में गले के ऊपर डिजाइन बनाएंगे। जैसे ये पूरा गला मैंने बना लिया है, यहाँ पर हमें डिजाइन बनाना है। तो जो भी हमारा सूट का कलर है उसमें उसका बना सकते हैं, जस्ट सेम हम इसी कलर का भी बना सकते हैं। अगर आपकी सलवार कंट्रास्ट में है तो उसका डिजाइन बना सकते हैं। जैसे इसमें ये कलर है तो ये मैंने ये लिया है। ये पट्टी कट करनी है, 4 या 4.5 इंच की ले लेंगे और लंबे में हमें ज्यादा लेनी है। और इस पट्टी को इस तरह से रखा है, अब इस तरह से ऐसे रखना है, सीधी साइड अंदर को रहेगी और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर ये सारी स्ट्रिप्स मैंने सिलाई लगा के रेडी कर ली है। अब इसे सीधा करना है। इसको सीधा कैसे करेंगे, इस तरह से ऐसे पेन लेना है और पेन की हेल्प से इस तरह से हमें इसे ऐसे कपड़े को थोड़ा थोड़ा आगे आगे करते जाएंगे। इस तरह से पूरा कपड़ा हमें ऐसे कर लेना है और ये हमारा पेन इस साइड में आ गया है। इस तरह सीधा कर लेंगे। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से ऐसे घुमाना है और ये सिलाई है, ये सेंटर में रहनी चाहिए और इस तरह से हमें यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। पूरी स्ट्रिप्स इसी तरह रेडी कर लेनी है। ये स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली है। अब इसे हमें इस तरह से रखना है, ये सिलाई वाली साइड है, नीचे को ऐसे रखनी है। इसके बाद इस कपड़े में हमें प्लीट्स डालने हैं, तो यहाँ से इस तरह से उठाना है कपड़े को और ऐसे रखना है, आधा इंच तक इस तरह से रखेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से आएगा, इस तरह ये हो गया। और इसके बाद इतना ही हमें यहाँ से लेना है और ये दोनों बराबर आने चाहिए यहाँ पर इस तरह से, और सेंटर से सिलाई लगाते जाना है। तो ये मैं आपको मशीन पर बताऊंगी किस तरह से डालने हैं। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर सेंटर में इस तरह से मार्किंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ से कपड़े को इस तरह से उठाना है और इस तरह से आधा इंच तक ऐसे आना चाहिए और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद फिर से हमें यहाँ से इतना ही उठाना है और ये दोनों बराबर आने चाहिए यहाँ पर, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा स्टार्ट करना है, तो ये हमें इस ओर इस तरह से लेना है और यहां से फिर से इस तरह से हमें ऐसे टर्न कर देना है और फिर से हमें दूसरा स्टार्ट करना है। इसी तरह पूरे कपड़े पे हमें प्लीट्स डालने हैं। अब देखिए ये स्ट्रिप्स बनके रेडी हो गई है, इस तरह से बनी है। अब इसे हमें यहां पर लगाना है, तो यहाँ पर ऐसे रखना है इसके बराबर और इस तरह से यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से पूरे गले पे इसे अटैच कर देना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये सेट कर दिया है, इस तरह से हमारा बन गया है। अब यहाँ पर हमें डिजाइन बनाना है, तो इसके लिए हमें ये बीड्स चाहिए, इस तरह के कोई भी कलर के बीड्स आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर के लिए है। अब इनको लगाना कैसे है, तो नीडल में मैंने धागा डाल लिया है। अब ये फर्स्ट है हमारा, ये बनेगा, तो ये कॉर्नर है, यहाँ से इस तरह से नीडल को डालेंगे। यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं, इस तरह से डाला। और ये दूसरी साइड का है, इसे भी हमें इस कॉर्नर से ऐसे डालना है। और ये तीसरा इस कॉर्नर से इस तरह से ऐसे नीडल को डालेंगे। और ये चौथी साइड है, जो कॉर्नर बने हैं वहां से ही लेना है, इस तरह इनको खींच देना है। अब तो ये इस तरह से एक डिजाइन सा बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2-3 स्टिच लगा के इनको टाइटली कर लेना है। यहाँ पर 2 नोट लगा देंगे जिससे ये खुले ना। अब ये नोट अच्छी नहीं लगेगी इस तरह से, तो यहाँ इसको ढकते हुए हम मोती लगा देंगे और मोती लगाने से हमारा ये और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। मोती को भी हमें 2-3 बार इधर इस तरह से स्टिचेस लगा लेने हैं जिससे मोती हमारा हिले ना। मोती के अंदर से क्रॉस करना है धागे को, इस तरह 2-3 बार क्रॉस करके हमें यहां से नीडल को नीचे को डालना है। इस तरह से यहां पर इस तरह से हमें 2-3 बार इस तरह से नोट दे देनी है जिससे ये खुलने ना पाए। तो अच्छे से पक्का कर लें, नहीं तो जल्दी खुल जाएंगे ये हमारे। और यहाँ से ये धागा कट कर लेना है। अब देखिए इस तरह से ये डिजाइन बना है, ये मैंने 2 बना दिए हैं। इसी तरह से बाकी के भी बना के रेडी कर लेंगे। अब देखिए सारे मैंने मोती लगा के इस तरह से पूरा कंप्लीट कर दिया है गले को।
तो इस तरह से हमारा ये लुक आया है, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। ये मैंने गले पे दिया है, ये डिजाइन आप बाजू पे भी दे सकते हैं और फ्रंट में आप भी दे सकते हैं पल्ले पे, और बहुत ही हमारा एक खूबसूरत सा डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा सूट का, एकदम डिजाइनर सूट बन के रेडी हो जाएगा। डिजाइन तो आपने देख लिया, जैसे कि बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इस डिजाइन को बना सकता है। डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।